दिल्ली में अचानक ही सड़कों पर नहीं उमड़ा था भीड़ का सैलाब, अचानक ही नहीं बरसने शुरू हो, अचानक ही भीड़ नहीं हो गई थी खून की प्यास। दिल्ली हिंसा भड़की नहीं बल्कि साजिश के तहत भड़काई गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उठ रहा है दिल्ली में हिंसा की साजिश से, जैसे जैसे आरोपी धरे जा रहे हैं वैसे वैसे खुल रहे हैं हैरान करने वाले कई राज। हिंसा के कालिक से दिल्ली का चेहरा दाग। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस की पंदे में हिंसा के 3 आरोपी हैं और आरोपियों से जुड़ी कई कहानियां हिंसा के पोस्टर पर चस्पा हो गई। दिल्ली में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसके पीछे छिपा सच भी बेनकाब हो रहा है। अब तक की जांच में ये सामने आ चुका है कि दिल्ली में हिंसा अचानक नहीं भड़की बल्कि हिंसा के लिए पूरी तैयारी की गई थी। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान छिपाने का भी पूरा इंतजाम था। इसके लिए दंगाइयों ने हिंसा शुरू करने से पहले उस जगह के सभी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। आपको वो कहानी भी दिखाएंगे लेकिन पहले दिल्ली हिंसा के उस आरोपी की कहानी जो पुलिस से बचने के लिए फिल्मी अंदाज में लुका छिपी का खेल खेलता रहा। 24 फरवरी को भड़की हिंसा में चांदबाग इलाके में अपने मकान के ऊपर ताहिर हुसैन दंगाइयों के साथ नजर आ रहा था। उसके बाद ताहिर हुसैन अंडरग्राउंड हो गया। पांच मार्च की दोपहर ताहिर हुसैन मास्क पहनकर अपने कुछ वकीलों के साथ 2 गाड़ी की मदद से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां पर पहले से ही क्राइम ब्रांच की टीम के 30 लोग डेरा जमाए हुए थे। चूंकि ताहिर हुसैन ने मास्क पहना हुआ था इसलिए उसे पहचान पाना क्राइम ब्रांच के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके बाद एसीबी पंकज सिंह ने न केवल ताहिर हुसैन को कोर्ट में अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद 30 लोगों की टीम 2 गाड़ी की मदद से ताहिर हुसैन को सनलाइट कॉलोनी दफ्तर लेके आई जहाँ पर उससे पूछताछ शुरू हुई। फिलहाल अदालत ने ताहिर हुसैन को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ताहिर हुसैन की कस्टडी दी है। पूछताछ के दौरान ताहिर हुसैन ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि उसका अंकित शर्मा हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है। वो ना कभी अंकित या उसके परिवार से मिला ना उसे जानता था। ताहिर ने बताया कि वो 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चांदबाग इलाके में ही मौजूद था। क्राइम ब्रांच ने ताहिर की लाइसेंसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी उसके कब्जे से बरामद किए हैं जिन्हें अपने साथ लेकर 24 फरवरी को ताहिर चांदबाग के घर से निकला था। अब दिल्ली पुलिस बरामद पिस्तौल की फॉरेंसिक जांच कराएगी कि क्या इस पिस्तौल के इस्तेमाल दिल्ली हिंसा में हुआ है या नहीं। इसके अलावा ताहिर के बरामद मोबाइल फोन की CDR से इस बात की भी जानकारी मिली है कि फरार होने के बाद उसने आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं से फोन पर बात की थी। हालांकि ताहिर का 1 मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हुआ है। हिंसा फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया। मुंह पर कपड़ा लपेटे ये शख्स है शाहनवाज। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 24 फरवरी को शिव विहार तिराहे के पास भड़की हिंसा में शाहनवाज शामिल था। आरोप है कि शाहनवाज के साथ भीड़ ने वहां कई दुकानों में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की थी। शाहनवाज पर आरोप है कि A29 चमन पार्क शिव विहार मिठाई की दुकान में आग लगाई। 26 फरवरी को दुकान से दलबर नेगी नाम के व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। दलबर नेगी का शव क्षत विक्षत हालत में पाया गया। चश्मदीदों ने आरोपी शाहनवाज को मुख्य हमलावर के रूप में पहचाना। 24 फरवरी को शाहनवाज पर दंगाइयों का नेतृत्व करने का आरोप है। हिंसा का आरोपी नंबर 3 है शाहरुख। वही शाहरुख जिसने हिंसा के दौरान गोलियां चलाई, जिसने पुलिस कांस्टेबल पर पिस्तौल तानी। शाहरुख फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली हिंसा के दौरान मौजपुर में गोली चलाने वाले शाहरुख की पिस्तौल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद कर दी है। शाहरुख के दिल्ली वाले घर में हिंसा में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ है। इसके अलावा शाहरुख का 1 और मोबाइल फोन भी क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं लगातार बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी रेड जारी है।
क्राइम ब्रांच की अब तक की पूछताछ और तफ्तीश से साफ हो चुका है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। पहले से ही उपद्रवियों ने लाठी डंडे पत्थर और अवैध हथियारों को इकट्ठा कर रखा था और उसके बाद न केवल आम जनता बल्कि पुलिस पार्टी पर भी लगातार हमला किया। ये दिल्ली हिंसा के नए सीसीटीवी वीडियो है। यमुना विहार की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 24 फरवरी की तारीख है। तस्वीरों में पुलिस खड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद बहुत तेज पथराव शुरू हो जाता है। दिल्ली पुलिस के जवानों को पीछे हटना पड़ता है और दंगाई कैमरे तक पहुंचने के बाद उसे तोड़ देते हैं। दंगाई अपनी पहचान छुपाने के लिए कैमरा तोड़ने की कोशिश में है, लेकिन कैमरा तोड़ने के दौरान उनकी तस्वीर भी दर्ज हो गई। अब दिल्ली पुलिस इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दंगाइयों की पहचान कर रही है। ये तस्वीरें उन्हीं दंगाइयों की। न्यूज 18 की टीम की एक लंबी पड़ताल में दिल्ली हिंसा से जुड़े ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आए जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। हमारी टीम ने दिल्ली के चांदबाग में हुई हिंसा की जांच की। चांदबाग ही वो जगह है जहां भयानक नुकसान हुआ। चांदबाग में हुई हिंसा में कांस्टेबल रतनलाल शहीद हुए थे, डीसीपी शाहदरा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और एसीपी अनुज शर्मा भी घायल हुए हैं। इसके अलावा यहां कई पुलिस वालों को चोटें आई थी। चांदबाग की इस हिंसा की न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि इस हिंसा के लिए पूरी तैयारी की गई थी और यहां हिंसा करने के लिए भीड़ बुलाई गई थी। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि चांदबाग में दोपहर 12:38 पर सभी सीसीटीवी तोड़ दिए गए। इसके बाद फोन करके दंगाइयों की भीड़ बुलाई गई। दंगाई पहले से डंडे और दूसरे हथियार लेकर तैयार थे। दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को फोन किया गया और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, दंगाइयों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस पर हमला करने से पहले कई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया था। उसकी एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये भी उसी रूट की तरफ है। देखिए इन लोगों के हाथों में जिस तरीके से रॉड है और दूसरे जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये शख्स देखिए फोन पर बात कर रहा है, कई लोगों को यहाँ पर तुरंत ही बुलाया गया था फोन कॉल्स के जरिए, जिसके बाद भीड़ अचानक बढ़ गई थी। 12:39 का ये दूसरा फुटेज है जो दूसरे कैमरे का है और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अब लड़कों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और अभी आप देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे, एक ये लड़का है देखिए, ये कैमरे की तरफ देखेगा घूमकर, क्योंकि इन सबको पता है, ये इलाके के सारे कैमरे देख रहे हैं एक एक करके, यानी पहले से प्लानिंग थी फोन का। ये देखिए दोनों ने एक साथ ही मूवमेंट पीछे रखी और कैमरे की तरफ देखा, उसके बाद ये कैमरा, ये देखिए ये लगातार अब लड़के यहाँ पर कैमरा सीसीटीवी जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैमरा देखिए, ये सारा रोड जो सड़क पर जितने लड़के हैं सबका ध्यान सीसीटीवी कैमरे पर है। चांदबाग में पुलिस के पहुंचने से पहले ही इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए या फिर उन्हें ऐसी दिशा में मोड़ दिया गया जिससे दंगाइयों की तस्वीर कैमरे में ना आ सके। न्यूज 18 के पास ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें कैमरे की दिशा मोड़ते हुए दंगाई साफ देखे जा सकते हैं। अभी मैं यहां पर एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो टाइमिंग था यहाँ पर इन लोगों ने एक एक करके इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। ये कुछ तस्वीर है, ये देखिए एक शख्स यहाँ पर आता है और ये इशारा करता है सीसीटीवी कैमरे तोड़ दो, और उसके बाद जो यहाँ पर खड़े और लड़के होते हैं ये सभी आप सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये पूरी तस्वीर कैद हो रही थी। इन लोगों ने प्लान किया और अब ये लड़के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ेंगे। हमने आपको जो सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाई वो दंगाइयों के तोड़े जाने से पहले की है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे चांदबाग इलाके की दुकानों में लगे हैं जिन्हें क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इन सीसीटीवी फुटेज में दंगाई डंडे से कैमरों को तोड़ते हुए देखे जा सकते हैं। न्यूज 18 को 24 फरवरी को दंगा भड़काने से ठीक पहले ही ऐसी बहुत सी सीसीटीवी फुटेज मिली है जिससे ये साफ हो जाता है कि दंगाइयों ने हिंसा की साजिश पहले से रची थी और पुलिस से मुकाबले के लिए भी प्लानिंग की गई थी। शायद यही वजह थी कि दंगाइयों ने जब पुलिस पर हमला किया तो पूरी तरह से बेखौफ थे और उन्हें ये यकीन था कि उनकी पहचान नहीं हो सकेगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों से उनकी पोल खुल रही है।
24 फरवरी को जब दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित शर्मा और उनकी टीम पर हमला हुआ, वो यही जगह है और यहीं से पथराव हो रहा था। लेकिन उससे पहले उपद्रवियों ने जो दुकानें थी उसके सामने वहां के सारे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा था, इसको यहां से तोड़ के लेकर चले गए, जबकि दूसरा जो कैमरा था वो इस जगह पर था। ये वो कैमरा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका सारा डायरेक्शन सामने की सड़क पर था। लेकिन ये देखिए, इस कैमरे को भी तोड़ दिया गया। हिंसा के बाद जब इलाके के दुकानदार मौके पर पहुंचे तो वहां सब कुछ तहस नहस दिख रहा था। यहां के दुकानदारों का भी यही कहना है कि दंगाइयों ने पुलिस के आने से पहले ही सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे। जब सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे थे तब तक हिंसा ज्यादा नहीं बढ़ती थी। दुकानदारों के इस बयान से भी साफ है कि हिंसा के लिए पहले से तैयारी की गई थी। जो तोड़ा गया है कितने बजे का था ये? ये 11 बजे के आसपास की बात है, 11 से 12 के बीच में कैमरे तोड़े गए सबसे पहले। अच्छा, पहले तोड़ दिए गए? हाँ, कैमरा सबसे पहले तोड़े गए। और उस वक्त आप लोग थे यहाँ पर? नहीं, उस वक्त हम नहीं थे, उस टाइम हम अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भाग के रहे, तो हम अपने घर चले गए थे, दुकान वुकान पड़ा गए, क्योंकि सामने पथराव हो रहा था। सामने पथराव हो रहा था, रोड से पथराव हो रहा था। और उसके बाद ही हुआ, क्योंकि डीसीपी तो 12 के बाद ही आए। हाँ, वो बाद में आए, उससे पहले पथराव हो चुका था। सबसे पहले कैमरे वगैरह तोड़े गए यहाँ के, कैमरे तोड़ने के बाद फिर यहाँ ईंट पथराव सारी गोलियां वगैरह भी चली सब, ताकि ये कैमरे इससे तोड़े गए सबूत ना रहे। हाँ, सबूत ना रहे। अच्छा, कितने कैमरे तोड़े गए हैं पूरी लाइन में? दो फ्रंट के हैं, बाकी पूरी लाइन में यहाँ दो और दो चार, मतलब कुल मिला के 10-12 कैमरे तो सारे तोड़े गए। चांदबाग में दंगाइयों की करतूत के सबूत के तौर पर आज भी टूटे फूटे सीसीटीवी कैमरे देखे जा सकते हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पूरे इलाके में एक भी सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं था जो टूटा ना हो या फिर उसका रुख बदला ना गया हो। चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को जिस वक्त डीसीपी अमित शर्मा को कॉल मिली कि उपद्रवियों ने सड़क को घेर लिया है, बवाल हो सकता है, इसको लेकर जब पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची और चांदबाग इलाके में जैसे ही वो पहुंची उसी वक्त भीड़ ने उन पर पथराव किया था, भारी पथराव उन पर हुआ था। लेकिन जो जांच एसआईटी इस वक्त कर रही है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, क्योंकि चांदबाग इलाके के जो दुकानदार हैं उनके कैमरे पहले ही तोड़ दिए गए, यानी सीसीटीवी कैमरे जिनसे नजर रखी जा सकती थी उपद्रवियों पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैमरे हैं, इन सभी कैमरों का या तो डायरेक्शन मोड़ दिया गया या फिर उन्हें तोड़ दिया गया था। चांदबाग में जिन दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए सभी यही कह रहे हैं कि दंगाइयों ने पहले कैमरे तोड़े और मौका पाकर यहाँ की दुकानों में भी लूटपाट की थी, और वो जिन दुकानों के अंदर दाखिल हुए उसके कैमरे भी पहले तोड़े और फिर लूटपाट को अंजाम दिया। जब हम आए जब देखा तो ये ऐसे टूटे हुए थे कैमरे, ऑफिस के भी टूटे हुए हैं, ये भी टूटे हुए सब कैमरे। मतलब पुलिस पर जो पथराव हुआ उससे पहले कैमरे का डायरेक्शन चेंज हुआ? हाँ, हो सकता है, है ना। हाँ। अच्छा, तो कितने कैमरे आप लोगों के तोड़े गए? कितने टूटे आपने कैमरे? एक तो ऑफिस का तोड़ा गया है, एक ही आप देख रहे हो नीचे बाहर का ये टूटा हुआ है, वो इसका डायरेक्शन नीचे था ही, क्योंकि आपके सामने ही टेंट लगा हुआ था एनआरसी और सीए के विरोध में। हाँ जी, है ना। हाँ जी, तो लगभग क्या लूटपाट वगैरह की हुई आपके वहाँ? लूटपाट हमारे लोग बोर्ड तोड़ तो ही नहीं, गल्ला तोड़ा है उसने, गल्ला। आपके अंदर के सीसीटीवी कैसे टूट गए? अंदर के जब अंदर घुसे होंगे तो ताला ये गेट पर तोड़ ये गेट तोड़ा तो अंदर घुस के उन्होंने तोड़े होंगे। दिल्ली दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने अब इस इलाके में जितने दुकानदार हैं सभी की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, और अब उनकी जांच से उन चेहरों की पहचान की जा रही है जिन्होंने दंगों के सबूत मिटाने की साजिश को अंजाम दिया। आपका भी भाई साहब, आपकी दुकान में भी आपका सीसीटीवी कैमरा मोड़ दिया गया था या तोड़ा गया था? मेरा घुमा दिया गया था, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई थी। अच्छा, पहले डायरेक्शन चेंज हो गई? सोमवार को। ये किस तारीख को हुआ था? सोमवार को हुआ था सर, 24 फरवरी को, क्योंकि पुलिस पर हमला हुआ था इसी जगह पर। उससे पहले मेरे कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर दी थी, मतलब उन्होंने पहले प्लान कर लिया था कि हम यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं, उससे पहले चेंज हो गया। जी जी जी। कितने कैमरे आपके मोड़े गए हैं? एक कैमरा लगा हुआ था बाहर, वही मोड़ा हुआ। क्या पुलिस एसआईटी यहाँ पर आई है आपके पास? हाँ जी आई, डीवीआर लेकर गई है। दिल्ली में दंगाई पुलिस पर आफत बनकर मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की हिफाजत में जुटी थी। दंगाइयों की करतूत के सबूत तो आपने देख लिए, अब दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों से भी मिलिए जो आफत में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। ये दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश यादव। जगदीश यादव 25 फरवरी की हिंसा के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकलपुरी मार्केट में तैनात थे। उस दिन उन्होंने 70 लोगों की जान बचाई। 25 तारीख को गोकलपुरी मार्केट में ड्यूटी थी, एसएचओ साहब मैं थे, हमारे इंडिया साहब थे, हमारे जॉइंट चीफ साहब, उनका फोन आया था कि वहाँ E107 भागीरथी विहार में एक परिवार फंसा हुआ है,
उसको निकाल के लाओ अभी। उस घर में एक हिंदू का घर था वो, उन्होंने नाम नहीं बताया पर मैंने बाद में पता किया कोई सुभाष यादव था। उसके घर में करीब 70 आदमी छिपे हुए थे, जो 6-7 परिवार थे। वो कह रहे थे हम लास्ट 24 घंटे से यहाँ पर छिपे हुए हैं और हम निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, इस परिवार ने हमें बचाया है और अगर तुम हमें यहाँ से नहीं निकालोगे ये आधे घंटे में हमें मार देंगे यहाँ। तो मैंने अपनी जिप्सी के दोनों जिप्सी में 10-10 आदमी करीब भर के, और बच्चे भी थे जिनमें बुढ़िया भी थी, जवान भी थे और औरतें भी थी, बुजुर्ग थे, वो सब अपनी दोनों जिप्सियों से 4-4 चक्कर लगा करके थाने में उनको लेकर आ रहे, इसको करा करके अपने स्टाफ के साथ। ये 25 फरवरी का वही वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक ट्रक से लोगों को सुरक्षित इलाके में लाया गया है। अब आपको मिलवाते हैं PCR में तैनात हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह और कांस्टेबल सरफराज अली से। इन दोनों बहादुर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 24-25 फरवरी को ब्रजपुरी चौक पर थी। वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ नौजवानों को बचाया। 33 फुटा सी बिहार पुलिया से 5 लोग थे जो मोमडन लोग थे, वो घिरे हुए थे, जो बिहार से यहाँ मजदूरी के लिए कमरा ले किराए पर लेकर रहते, उनको तीसरी बार घर से निकाल लिया था और उनको लोग जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, घेर लिया था बुरी तरह, मारने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको हमने पब्लिक को जैसे धमकी दे के पुलिस फोर्स का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से निकाला। और उत्तर पूर्व दिल्ली हिंसा में उपद्रवियों के निशाने पर पुलिस थी। इसी हिंसा में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतनलाल। रतनलाल की पत्नी की बात दंगाइयों को भी सुननी चाहिए। रतनलाल की पत्नी पूनम कहती हैं कि उनके पति प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिनके सुरक्षा के लिए वो आए हैं वही उनकी जान ले लेंगे। उनकी तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो ड्यूटी पे गए थे अपनी की वहाँ पे पब्लिक को सेफ रखने के लिए, जो CA का विरोध कर रहे थे, जो समर्थन में थे उनका, बस उनको तो वहाँ पे भेजा गया था कि आपको वहाँ जाना है और पब्लिक की सेफ्टी रखनी है। पर ये थोड़ी ना था कि पब्लिक ही उन पे हमला कर देगी, भाई ये तो उन्हें भी नहीं मालूम था ना पुलिस वालों को। दिल्ली हिंसा के CCTV फुटेज जैसे जैसे सामने आ रहे हैं दंगाइयों की पहचान भी उजागर होने लगी है।